हिरन होई रे पगली ताने जो रात घमिला बबुआन से तू चल हवे जान लगी रान के हमार पांडे जी का बेटा हो जादू जी पटा की रंगना मोहन आइले तू नानी लगे बबुआन। हाल ही में हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा एक निर्देश आया है कि जो भी इस तरह की खास करके आजकल जाति पर आधारित भोजपुरी अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं जिसके वजह से आपस में तनाव हो रहा है, मारपीट हो रहा है, यहाँ तक कि फायरिंग भी हो रही है, बहुत सारी घटनाएं देखने में आई है, इस पर बिल्कुल अब लगाम लगाया जाएगा। स्पष्ट निर्देश है जो भी गाएगा, जो उसको बजाएगा, सपोर्ट करेगा, जिसने ऑर्गेनाइज कराया, सब पे FIR लॉज होगा। और आपने सही बताया, आज एक FIR लॉज हो चुका है ऑलरेडी, और भी मैंने सुना अगल बगल के जिलों में कुछ गायक लोगों को पकड़ा गया है, हमारे शाहबाद रेंज के ही वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो गा रहे थे इस तरह के गाने, और हमारा बेहतर प्रयास इस दिशा में रहेगा और शायद इसके पॉलिसी स्तर पर भी इस पर शायद निर्णय लिया जा सके, इस तरह के गाने बने ही नहीं और उनका वहाँ से इनका प्रसारण ही न हो, इस पर एक कठोर शायद कानून आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से आएगा जैसा हमें लग रहा है। बाकी हम लोग तो जो यहाँ पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने के रूप में जो ये लोग गाने गा रहे हैं उस पर कार्रवाई करें। राज्य में भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। साथ ही अश्लील गानों तथा सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक और मर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक विधि युक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में जब जिसको जो मन किया एक एल्बम बनाया और अपने गाना को प्रदर्शित कर देता है। अश्लील गाने अगर कोई गाते हैं तो उनके ऊपर सक्षम कार्रवाई हो, इन्होंने निश्चित माननीय कार्रवाई की जाए। अश्लील और जातिवाद गाने वाले भोजपुरी गायक अब सतर्क हो जाए। जी आप सभी को बता दूं कि प्रमोद प्रेमी यादव पर जो कि FIR दर्ज हो चुका है, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी होगी। जी आप सभी को बता दूं कि प्रमोद प्रेमी यादव जो कि एक गाना लेकर आए थे नेताओं के ऊपर, उस गाने के कारण उनके ऊपर जो कि FIR दर्ज हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि यदि कोई अश्लीलता फैलाता है, जातिवाद गाना गाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और यहां तक कि गिरफ्तारी भी की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहार के गृह मंत्री जो कि कल बिहार विधानसभा में इस बात को स्पष्ट कर दिए कि जो भी गायक भोजपुरी में गंदा गाना गाएंगे या जातिवाद गाना गाएंगे उन पर जो कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक सख्त कानून भी आने जा रहा है। जी आप सभी को बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा में भोजपुरी के अश्लील गाने और जातिवाद गाने पर जो कि बहस हुई है और बिहार के गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी गायक गंदगी फैलाएंगे, जातिवाद गाना गाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी भोजपुरिया समाज के सभी लोग थे, जितने भी भोजपुरिया समाज की माँ और बहने थी, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि आप लोग के लिए बिहार सरकार बहुत बड़ी कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, अब भोजपुरी में जो कि गंदे गाने नहीं बनेंगे, अश्लील गाने नहीं बनेंगे, जातिवाद गाने नहीं बनेंगे, भोजपुरी में अब बेहतरीन काम किया जाएगा जिससे भोजपुरी के पहचान देश छोड़िए विदेश में भी होगा। यानी कि अब भोजपुरी में जो कि जेन्युइन वर्क होगा, जी हाँ, टैलेंटेड लोग ही जो कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आके अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। अब वो ऐसे गायक आप सभी को नहीं दिखाई देंगे जो कि आके सीधे गंदा गाना गा दिए और अश्लील गाना गा दिए, जातिवाद पर गाना गा लिए और चीप पॉपुलरिटी पा लिए। तो ऐसे गायक बहुत जल्द ही विलुप्त होने वाले हैं। तो जो भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, भोजपुरी गाना बनाना चाहते, तो अब आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि अब आप अच्छे गाने गाकर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार भी अब आप लोगों को सपोर्ट करेगी। फिलहाल मैं आप सभी को ये रिपोर्ट कैसा लगा और बिहार सरकार का ये कदम आप सभी को कैसा लगा, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।